फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो अभी जस्ट मैंने अंकल की वीडियो देखी और रिएक्शन देने से पहले ये जरूर बोलना चाहूंगी कि दिल बहुत ज्यादा दुखा आज। रिएक्शन देना हमारा एक काम है, लेकिन बाप को रोता हुआ नहीं देखा जाता। एक बच्चे के लिए बचपन से ही बाप एक वो शील्ड होती है जो बच्चे को हमेशा हर परेशानी से प्रोटेक्ट करता है। हमने हमेशा से माँ को अक्सर रोते हुए देखा होगा, लेकिन बाप को हमेशा अपने लिए खड़ा रहते हुए देखा होगा। तो हर बच्चा अपने पापा की आड़ में हमेशा प्रोटेक्टिव फील करता है, और जब वही बाप की आंखों से आंसू निकले ना, तो कलेजा बिल्कुल डगमगा जाता है। नो मैटर की क्या सिचुएशन हुई हो, नो मैटर की क्या हुआ हो, लेकिन पापा को हमेशा हर बच्चे ने, घर के जेंट्स को, घर के गार्जियन को, हर बच्चे ने हमेशा स्ट्रांग एक पिलर की तरह खड़े हुए देखा है। लेकिन जब वो पिलर की आंखों से आंसू निकलते हैं तो बुरा लगता है, एक्चुअली बुरा लगता है। तो ये थोड़ा सा इमोशंस आज अंकल के दिख गए जो नहीं दिखने चाहिए थे, और मैं तो डे वन से यही एक्सपेक्ट भी कर रही हूँ और यही दिल से भी प्रे कर रही हूँ कि फैमिली का मैटर जल्दी से जल्दी रिजॉल्व हो जाए, जल्दी से जल्दी सॉल्व हो जाए। और मैं ही नहीं, सभी लोग यहाँ पे जितने भी हैं वो सब यही दुआ कर रहे हैं, जितने भी वेल विशर हैं, जितने भी फैन फॉलोवर्स हैं, सब अपनी साइड से यही सोच रहे हैं कि जल्दी से जल्दी जो है ये कॉन्ट्रोवर्सी खत्म हो जाए। तो अंकल ने अपनी वीडियो शुरू करी थी डाइवोर्स वाले टॉपिक से। आज सुबह की जो लखन का व्लॉग आया था उस पर कमेंट सेक्शन में जो बहस छिड़ी थी जो लखन और अंकल के बीच में, कुछ लोग वो ढूंढने की भी कोशिश कर रहे हैं कमेंट्स, तो वो कमेंट अंकल की साइड वाले सारे डिलीट हो चुके हैं। उसकी एक्सप्लेनेशन भी अंकल ने दी है, और कई बार वो देते भी हैं कि मैं गुस्से में लिखना शुरू कर देता हूँ, गुस्से में बहुत सारे कमेंट्स कर देता हूँ, उसके बाद जब मुझे रियलाइज होता है और मेरा गुस्सा ठंडा होता है तो फिर मैं जाके वो कमेंट्स डिलीट भी कर देता हूँ। तो कुछ इसी तरीके के कमेंट्स का आज मॉर्निंग में जो हुआ था व्लॉग के नीचे, काफी ज्यादा लड़ाई हुई थी जिसमें लखन ने ये बोला था कि ये चाहते हैं कि हम सेपरेट हो जाए, हमारा डाइवोर्स हो जाए। तो अपने उस पॉइंट को और भी जिस मुद्दे, जिस चीज के बीच में लड़ाई हुई थी, उन सारे पॉइंट्स को अंकल ने अपनी वीडियो में आज क्लियर किया है। सबसे पहले वो आए ही इसी पॉइंट से थे कि डाइवोर्स की बात कर दी, तलाक की बात कर दी, जिसके लिए उन्होंने बोला कि ये हमारा इंडियन कल्चर नहीं है, ये वेस्टर्न कल्चर है, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, हमारे सनातन धर्म में ऐसा नहीं होता। ये तलाक वगैरह मैं सोच भी नहीं सकता, घर की बहू लक्ष्मी होती है। और साथ साथ उन्होंने ये भी क्लियर किया कि मैं कभी भी दहेज के फेवर में रहा ही नहीं, ना मैंने कभी दहेज मांगा, ना मैं कभी आगे कभी दहेज मांगूंगा। कोई माँ बाप अपनी बेटी ही दे रहे हैं, इससे बड़ी धन दौलत कुछ भी नहीं हो सकती कि वो अपने घर की बेटी हमें दे रहे हैं। तो ना हमने कभी दहेज मांगा, ना हम कभी भी दहेज के सपोर्ट में है कि दहेज लेना चाहिए। उसके बाद उन्होंने, आपने देखा होगा कि ज्वेलरी को लेकर भी कुछ बातें हुई थी, तो ज्वेलरी से रिलेटेड भी उन्होंने चीजें बताई कि ज्वेलरी अभी भी हमारे पास ही है, संभाल के रखी है। उनके यहाँ शायद होता होगा कि ज्वेलरी रखी जाती है, और जब भी हमारा अंतिम समय आएगा हम वो ज्वेलरी दे के जाएंगे, लेकिन अभी हमारे पास ही वो ज्वेलरी रखी है, वो उन्हीं की है, उन्हें जब चाहिए होगा वो हमसे ले लेंगे, लेकिन जब हमारा अंतिम समय आएगा या जो भी आएगा तो वो ज्वेलरी बच्चों की ही है, हम अपने साथ तो नहीं लेके जाने वाले। उसके साथ साथ उन्होंने अपनी जो है टैक्स से रिलेटेड भी चीजें करी, क्योंकि वहां पे कमेंट में लखन ने ये भी लिखा था कि क्या बोलते ईडी वगैरह की रेड की वजह से वो ज्वेलरी छुपाई गई है। तो उस पर भी जो है अंकल ने ये क्लेरिफिकेशन दी कि मैं पूरा टैक्स भरता हूँ, मैं एक अच्छा नागरिक हूँ, मैं मेरी सैलरी का जितना भी पोर्शन टैक्स का बनता है मैं अपनी उस इनकम से टैक्स पे करता हूँ। यही रीजन है कि मैं खुल के अपनी गाड़ियां, अपना विला, अपना होम टूर और अपनी सारी चीजें दिखा पाता हूँ, क्योंकि मैं सरकार को उसका प्रॉपर टैक्स पे करता हूँ। आप चाहें तो इस चीज को चेक भी कर सकते हैं। एंड ये चीज उन्होंने, जो ईडी वाला क्वेश्चन था उसका उन्होंने जवाब दिया। इसके साथ ही साथ उन्होंने और भी चीजें बताई, जैसे कि हेल्थ से रिलेटेड चीजें बताई कि मैं इतना ज्यादा सोशल मीडिया नहीं देख पाता, 2-4 दिन बाद देखता हूँ तो मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है, मैं परेशान होता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे आगे मेरे और भी बच्चों की जिम्मेदारी है। कभी कभी तो मैं इतना घबरा जाता हूँ कि मुझे लगता है कि मुझे अटैक ही आ जाएगा, मुझे हार्ट अटैक ही आ जाएगा। और अपने इसी स्टेटमेंट के साथ जो है वो थोड़ा सा इमोशनल हो गए थे, क्योंकि जाहिर सी बात है अभी उन्होंने एक ही जिम्मेदारी अपनी पूरी की है और अभी उनके आगे उनके 3 बच्चे और हैं जिनकी जिम्मेदारी अभी उनके ऊपर बनती है। उन्होंने बताया कि मेरी एज 50-55 साल हो गई है, अब इतनी क्षमता नहीं रह गई, इतना बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं रह गई, एज के साथ साथ मैं बहुत कमजोर हो गया हूँ, तो मैं इतना सह नहीं पाता, इतना बर्दाश्त नहीं कर पाता।
शादी वाला जो मैटर था, शादी के पैसों से रिलेटेड भी जो बात आई थी उस स्पीच पे भी उन्होंने क्लियरिटी दी कि शादी में जो इंगेजमेंट हुई थी वो भी काफी धूमधाम से और काफी ग्रैंड इंगेजमेंट हुई थी जो काफी ज्यादा ट्रेंडिंग भी गई थी, तो वो एंगेजमेंट का पूरा खर्चा जो है अंकल ने उठाया था, वो पूरा सब कुछ अंकल ने ही किया था। और उस इंगेजमेंट के बाद एक अनदर लेवल की हाइप मिली थी उनके बेटे के चैनल को और काफी ज्यादा प्रमोशन मिला था। शादी से सगाई के बीच में 1.5 साल का आई थिंक गैप था और जब शादी की बात आई तो बच्चों की यही डिमांड थी कि शादी जयपुर में होगी, लेकिन उस समय पे मेरा जो हाथ था वो काफी टाइट था, मतलब फाइनेंशियली थोड़ा सा टाइट था, कारोबार की वजह से थोड़ा इतना ज्यादा फंड्स मेरे पास नहीं थे, तो उस पर इन बच्चों ने ही सामने से जो है हेल्प ऑफर करी थी। उन्होंने ये चीज एक्सेप्ट करी कि हाँ शादी के समय इन्होंने हेल्प करी थी, ये सामने से ही आए कि भाई हम कर देंगे, हम हेल्प कर देंगे और फंक्शन तो जयपुर में करेंगे। तो इस चीज पे कह रहे थे, मैंने भी हामी भरी लेकिन मैंने अपनी साइड से कैश दिया था क्योंकि मेरा बैंक से लिमिट ओवर हो चुकी थी, लिमिट पूरी हो चुकी थी जो मैंने, तो मैंने इनको उस चीज के बदले कैश दिया था। उसके बाद शादी भी हुई, फंक्शन भी अच्छे से ग्रैंड हुआ, तो वहां पे भी इन्होंने क्लियर किया। इन्होंने साथ साथ ये भी बोला कि विला के लिए कोई पैसे नहीं दिए गए हैं, आई थिंक जो 1.5-2 करोड़ की बात हो रही है, उन्होंने कहा विला के लिए वो पैसे नहीं दिए गए थे, वो पैसे शादी के समय ही दिए गए थे क्योंकि इंगेजमेंट से शादी के बीच में इन लोगों को काफी अच्छा जो है इनका व्लॉग वगैरह चलने लगा था, काफी अच्छा इनकम इन लोगों की हुई थी, तो इन्होंने सामने से जो है वो हेल्प ऑफर करी थी शादी के लिए। उसके अलावा उन्होंने कार वाली चीज भी क्लियर करी क्योंकि बहुत दिन से किया कार, मुझे लगता है कि किया कार का तो फ्री में ही प्रमोशन हो गया है, तो किया कार का भी उन्होंने बताया कि आंखों में पट्टी बांध के मुझे कार के सामने लाया गया, अब पट्टी खुलते ही वो कार कहाँ चली गई कुछ पता नहीं, मतलब कंटेंट के लिए बच्चों ने ये किया था और बच्चों का कहना यही था कि कंट्रोवर्सी से ही पैसा आता है, कंटेंट से ही आता है, तो हमने इन पूरी चीज में उनको सहयोग किया। जिस तरीके का हमें एक्शन करने को बोला जाता था, एक्ट करने को बोला जाता था, हमारा पूरा कॉन्ट्रीब्यूशन और पूरा योगदान होता था उस एक्ट में। और जबकि कीर्ति दीदी ने भी किया कार के ऊपर जब क्वेश्चन हुआ था तो उन्होंने भी वहां से जवाब दिया था कि अगर किया कार गिफ्टेड थी तो फिर मर्सिडीज भी तो गिफ्ट करी थी, तो उसके लिए भी सवाल पूछो, तो वो कॉन्टेंट के लिए था। ये अंकल ने अपने मुंह से ही क्लियर कर दिया कि किया कार कॉन्टेंट का एक हिस्सा थी। उसके बाद उन्होंने जो चौधरी फैमिली है उसके लिए भी बोला कि जिस तरीके के भंवर में वो फंसे हुए थे, कुछ उन्होंने एक कहावत बोली थी, मुझे वो पर्टिकुलर याद नहीं है, कि जब किसी को छाओं की जरूरत होती तो वो इंसान कहीं तो मदद के लिए जाता है, कहीं तो हेल्प के लिए जाता है, तो उन्हें चौधरी फैमिली से हेल्प के लिए जाना पड़ा क्योंकि जिस तरीके का उनके ऊपर कंट्रोवर्सी चल रही थी या जिस तरीके का उनको हेट मिल रही थी, उनको कोई ऐसा चाहिए था जो उनकी आवाज बनके कुछ बोल पाए, उनके लिए कुछ बोल पाए, तो इसी हेल्प के लिए, इसी मदद के लिए उनको जो है वहां पे जाना पड़ा, उस फैमिली से हेल्प लेनी पड़ी। लेकिन वहीं पे बात है कि किसी भी बाहर वाले से कभी भी घर के घरेलू मामलों में हेल्प की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। मैंने हमेशा से बोला है कि हर चीज का सलूशन होता है, दुनिया में ऐसी कोई परेशानी नहीं है जिसका आप समाधान नहीं निकाल सकते। आप तो एक परिवार हो, दोनों को अपनी अपनी ईगो और अपनी नाराजगी साइड में रख के परिवार की ग्रोथ को नजर में रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। अंकल ने बोला कि मैं गया था जब ये लोग यूएसए से आए थे और उस समय पे मैं और आंटी दोनों वहां पे गए थे, हमने ने बोला कि घर खाली करने की कोई जरूरत नहीं है, आप घर पे ही रहो, ये आप ही का घर है और पिछले 3 साल से आप इसी घर पे रह रहे हो। घर का रेंट भी उन्होंने बोला कि अगर मैं घर रेंट पे चढ़ाता तो 1.5 लाख रुपए इस घर का रेंट था जो वहां पे नीतू और लखन रह रहे हैं, लेकिन 3 साल से ये लोग वहां पे रह रहे हैं, इन्होंने वहां पे रेनोवेशन भी करा, लेकिन मैंने इन्हें मना किया कि ये तुम्हारा ही घर है, तुम यहां से मत जाओ। तो ये सब जो था अंकल ने अपनी वीडियो में आज बताया, साथ ही साथ हाथ जोड़ते हुए भी नजर आए कि बच्चे हैं, बच्चों के आगे माँ बाप को झुकना ही पड़ता है, मैं तो इनका गुलाम हूँ, गुलाम इसीलिए हूँ कि मैंने इनको पैदा किया है, मेरी जिम्मेदारी बनती है और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो मैं बस यही बोलूंगी कि कोई भी बच्चे अपने माँ बाप को झुकाना नहीं चाहते, वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि उनके माँ बाप उनके आगे सर झुकाएं या हाथ झुकाएं, वो बस प्यार चाहते हैं और इज्जत चाहते हैं। आप वही दे दो तो बच्चों के लिए वही काफी होती है, वही चीज बच्चों को भी अपने माँ बाप को देनी चाहिए, दोनों के लिए ही इक्वल चीजें होती हैं। आप यहाँ पे सोशल मीडिया पे झुक के या गुलाम बोल के ये सब चीजें मत करो, आपस में जाओ, अगर आपके अंदर इतने इमोशंस हैं, आप अपने बच्चे से इतना प्यार करते हो, इतना प्यार आप दिखाते हो सोशल मीडिया पे, इतना प्यार आपकी आंखों में नजर आता है कि आप उस बच्चे के लिए रो भी गए, तो अगर आप ये इमोशन अपने बच्चे के सामने जाके उसको दिखाओगे तो कोई भी पत्थर लेके दिल में नहीं बैठा है, सबका दिल पिघलता है।
यहाँ बैठी हुई जब जनता का दिल आपको देख के पिघल गया, आपको रोता हुआ देख के किसी को नहीं देखा गया, उनका दिल पिघल गया तो वो तो आपका खुद का खून है, उनका आपको देख के दिल क्यों नहीं पिघलेगा। तो एक बार इनिशिएटिव लो, एक बार कोशिश करो, जो चीजें हो गई मट्टी डाल दो, जो आपने बोल दिया, जो उन्होंने बोल दिया, उन सब चीजों को छोड़ दो, एक बार कोशिश तो करो। आई एम श्योर कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। और मैं भी सभी लोगों से यही वो करूंगी, रिक्वेस्ट करूंगी कि देखो रोते हुए चेहरे अच्छे नहीं लगते और एक बाप का वाकई में रोता हुआ चेहरा अच्छा नहीं लगता। तो आप लोग भी अपने एंड पे बोलते हैं कि जब सारी शक्तियां खत्म हो जाए तो दुआएं जरूर काम आती हैं, तो हो सकता है कि आप में से ही किसी की जुबान में किसी वक्त सरस्वती माँ बैठी हो और आपकी बोली हुई बात सच हो जाए। तो इस परिवार को एक करने के लिए सबके सब भगवान से प्रार्थना करो और यही कोशिश करो कि घर के हर इंसान को सद्बुद्धि आए, सही और गलत समझ पाए, सोल्यूशन निकाल पाए और फिर से प्यार और मोहब्बत से रह पाए, क्योंकि इनकी पहचान ही इनकी फैमिली व्लॉगिंग थी। जब इनको साथ में सबने देखा तब इनको बहुत पसंद किया। तो अपनी पहचान अपने आप से दूर मत करो, परिवार में ताकत होती है। ये आज शायद एहसास ना हो, क्योंकि जब इंसान के पास फाइनेंशियली सब कुछ होता है तो वो सोचता है मैं दुनिया में सब कुछ खरीद सकता हूँ, लेकिन यकीन मानो परिवार में ताकत होती है और वो ताकत परिवार से ही मिलती है। दुनिया की चाहे कितनी ताकत आप अपने साथ ले लो, लेकिन जो ताकत एक साथ परिवार में होती है वो ताकत कभी कहीं नहीं मिल पाती। तो अपने परिवार को जोड़ के रखो, संजो के रखो। और हम इसी उम्मीद के साथ मैं ये वीडियो एंड करती हूँ कि भगवान आप लोगों को सद्बुद्धि दे, आपके घर के बिखरे हुए रिश्ते एक हो जाएं और आप लोग जल्दी से जल्दी एक हो जाएं।